हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम हमारी क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सर्विसेज, या अगर हमें मनी ट्रांसफ़र करना है किसी व्यक्ति को तो हम बैंक की कौन सी सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमको अमाउंट ज़्यादा है उसके लिए कौन सी सर्विस यूज़ करनी चाहिए, अगर हमें तुरंत पैसे ट्रांसफ़र करना है उसके लिए हमें कौन सी सर्विस यूज़ करना है, तो हम ये जानते हैं आज की कौन सी सर्विसेज हमको बैंक द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले हम जानते हैं RTGS क्या होता है। ठीक है, RTGS एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की सुविधा देता है और ये आपको ऑफलाइन मोड में भी मनी ट्रांसफ़र की सुविधा देता है। अगर हम बात करें RTGS की, तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, इसका यूज़ करके आप किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इससे क्या होगा, जो आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो वो कम समय में सामने वाले के बैंक में चला जाएगा। और लेकिन इसकी अगर हम बात करें अमाउंट की, तो इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम लिमिट होती है वो होती है 2 लाख। मीन्स आप 2 लाख से कम RTGS के द्वारा मनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और ये आपको जो सुविधा है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलेगी। अगर आपको ऑफलाइन इसका यूज़ करना है तो आपको बैंक में जाके RTGS का फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपको इसका ऑनलाइन यूज़ करना है RTGS का, तो आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना ज़रूरी है या मोबाइल बैंकिंग होना ज़रूरी है, आप उसका यूज़ करके RTGS कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम RTGS के लिमिटेशंस की बात करें, तो अभी मैंने बताया आपकी मिनिमम राशि क्या होनी चाहिए, 2 लाख। मीन्स आप 2 लाख से कम ट्रांसफ़र लेन देन नहीं कर सकते हो। इसमें टाइमिंग में भी आपको लिमिट्स दी हुई है कि अगर हम बात करें वीक डेज की, तो वो सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक हम कर सकते हैं RTGS, और सैटरडे को हम 9 से 2 बजे तक कर सकते हैं, और सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे को हमें RTGS की सुविधा नहीं मिलेगी, और संडे को भी ये उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RTGS के ट्रांजेक्शन फीस की। क्या होता है, जब भी हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो जो अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कई बार उसके हमसे क्या लिए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर हम अमाउंट 2 लाख से 5 लाख के बीच में लेन देन कर रहे हैं अमाउंट का, तो उसमें पर ट्रांजेक्शन में हमारे कितने रुपए कटते हैं, 30 रुपये। अगर हम 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन हमारे कितने रुपये कटते हैं, 55 रुपये। और टाइमिंग मैंने आपको बताई दी है, वीक डेज में कितने, 9 से 4:30, और सैटरडे 9 to 2। अब हम ये जानते हैं NEFT और RTGS में डिफरेंस क्या है। NEFT हम पढ़ेंगे अभी, बट उससे पहले आप सिर्फ अभी इतना जान लीजिए, RTGS और NEFT में मेन डिफरेंस ये है कि आपको RTGS अगर करना है तो आपकी मिनिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 2 लाख। मीन्स आप 2 लाख से कम नहीं कर सकते हो, लेकिन NEFT में ऐसा नहीं है, आप मिनिमम 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, अब हम शॉर्ट में जानते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है क्या। तो ये क्या है, मनी ट्रांसफ़र की सुविधा देती है। जब आप इसका यूज़ करें करना चाहते हो, तो आपको सामने वाले के बैंक का नाम, बैंक वाले बैंक होल्डर का नाम, बैंक का IFSC कोड और अमाउंट, ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती हैं। इससे मिलता जुलता सिस्टम जो है, फर्स्ट टाइम US में फेड वायर सिस्टम था, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं IMPS। IMPS क्या है, अभी हमने जाना है कि RTGS क्या है। RTGS में जो अमाउंट हमने देखा कि उसके लिए मिनिमम अमाउंट क्या है, 2 लाख, मतलब आप 2 लाख से कम उसमें ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए आपको 2 लाख से कम अमाउंट ट्रांसफ़र करना है, तो आप उसके लिए किस सुविधा का यूज़ करेंगे, सर्विस का, IMPS की। ठीक है, IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस नाम से ही शो हो रहा है कि अगर आपको तुरंत ही पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप IMPS का यूज़ करेंगे। IMPS जो सुविधा है, यह आपको सिर्फ ऑनलाइन दी जाती है, मीन्स आपको ऑफलाइन ये सुविधा नहीं दी जाती है। इसका यूज़ सबसे पहले कहाँ किया गया था, किसके द्वारा किया गया है, NPCI द्वारा 2010 में। ठीक है, इसका यूज़ हम 24 घंटे कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं। मीन्स इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप घर बैठे बाय मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 2 लाख से ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते, लेकिन 2 लाख से कम आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी समय और किसी भी दिन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसमें भी आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करना है, तो आप जिसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसकी पूरी बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी होगी।
ठीक, तो अगर हम बात करें आईएमपीएस की, तो इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो तीन। मैक्सिमम लिमिट कितनी है इसकी? 2 लाख, मीन्स आप 2 लाख से ज़्यादा नहीं ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो वो इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और ये हमें 24 घंटे सुविधा मिल रही है। अगर आपको आईएमपीएस का यूज़ करना है तो आपको क्या करना होगा? ठीक है, उसके लिए आप क्या करें कि हम आप आईएमपीएस का यूज़ स्टार्ट करें, है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैंक में जाना है। बैंक में आपको आईएमपीएस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर बैंक से आपको एक आईडी और एक पिन मिलता है। उस आईडी और पिन को आपको कहाँ डालना है? एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बैंक की, उसमें आईडी और पासवर्ड पिन डाल के लॉगिन करके वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आईएमपीएस का या मनी ट्रांसफ़र का। आप उस पर क्लिक करके पूरी डिटेल्स डाल के सेंड मनी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर इसकी विशेषता या फीचर्स की बात करें तो ये भी एक आपको सुविधा दे रहा है मनी ट्रांसफ़र की, या आपको 24 घंटे की सुविधा दे रहा है, मीन्स आप 24 घंटे सातों दिन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। आप जब आईएमपीएस से पैसे ट्रांसफ़र करते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अकाउंट डिटेल्स हो, आप कॉन्टैक्ट डिटेल के द्वारा भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना? जैसे मोबाइल नंबर है आप, मतलब आपके पास किसी व्यक्ति का जो उसके अकाउंट से लिंक है, तो आप उसके उससे भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मीन्स इससे क्या होगा, सामने वाले की जो अकाउंट डिटेल्स है वो सिक्योर रहेगी। और एक बात और, अगर हम इसमें ऑफलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो तो हमें सुविधा मिलेगी नहीं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है NEFT, मीन्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसे कब यूज़ करना स्टार्ट किया था? 2005 में। किसने इसको इसकी स्थापना की है या मेंटेनेंस करता है? IDRBT, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये भी RTGS के जैसा होता है, बट इसमें मेन डिफरेंस ये है कि RTGS जो है उसकी मिनिमम लिमिट 2 लैक्स है, बट जो NEFT है उसमें मिनिमम लिमिट्स 1 रुपीज़ है। मीन्स आप 1 रुपये से लेके 2 लाख रुपये से तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी अगर हम टाइम की बात करें, जो टाइम लिमिटेशंस है, तो ये वीकडेज में 8 से लेके शाम को 6:30 बजे तक कर सकते हैं। और अगर हम सैटरडे की बात करें तो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे ये सुविधा हमको नहीं मिलती है, प्लस संडे को भी ये नहीं मिलेगी, और जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज है उसमें भी हम NEFT की सुविधा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, NEFT भी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में मिलेगा। मीन्स आप अगर ऑफलाइन अगर NEFT करना चाहो तो आपको बैंक में जाके NEFT फॉर्म फिल करना होता है और उसमें सारी डिटेल्स डालनी होती है। अगर आप इसे ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग होना ज़रूरी है। तो हम लोग अब इसकी बात करें कि ट्रांजेक्शन लिमिट क्या है NEFT की, तो इसकी मिनिमम हम अगर राशि की बात करें तो 1 रुपये है, और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें जो पैसे ट्रांसफ़र होते हैं उसकी स्पीड होती है 2 घंटे 3 घंटे। मीन्स ये जो मनी ट्रांसफ़र हो रहा है ये कितने घंटे में होगा? 2 से 3 घंटे में, और ये बैच में होती है। मीन्स रुक कंटिन्यूस एक ही बार में नहीं होती है, ये बैच में होती है। ठीक है, इसका पेमेंट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, ये हमें ऑफलाइन भी मिलेगा ऑनलाइन भी मिलेगा। ठीक है, अब अगर आपको फंड ट्रांसफ़र करना है NEFT के द्वारा तो आप क्या करें? ऑनलाइन आपको ये करना होगा, जो भी आपके आईडी पासवर्ड है उसे आपको फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद NEFT फंड ट्रांसफ़र सेक्शन पे जाना होगा। उसके बाद जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे नाम, बैंक खाता और IFSC कोड डालना होगा जो आपको ट्रांसफ़र करना है जिस व्यक्ति को उस पर। उसके बाद आपको सेंड बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, लिमिट अभी मैंने आपको बता दी है कि क्या है इसकी लिमिट, 2 लैक्स, मतलब 1 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑफलाइन NEFT करना चाहते हैं तो उसकी सीमा सिर्फ कितनी है? 50,000। मीन्स आप ऑफलाइन कितना लेन देन कर सकते हो NEFT के द्वारा? 50,000। अगर हम बात करें डिफरेंसेस की, तो बेसिक कंपैरिजन अगर हम तीनों में देखें, आज हमने पढ़ा है RTGS, NEFT और IMPS, तो मिनिमम ट्रांसफ़र वैल्यू की बात करें तो NEFT में हम कम से कम कितने रुपए कर सकते हैं? 1 रुपये। RTGS में हमको मिनिमम अमाउंट क्या चाहिए? 2 लैक्स। और IMPS में भी हम मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 रुपीज़। पेमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो NEFT और RTGS जो है वो हमको ऑनलाइन भी मिल रहे हैं और ऑफलाइन भी मिल रहे हैं, लेकिन IMPS जो है वो हमें सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा।
अब हम थर्ड कंपैरिजन देखें, अगर मैक्सिमम ट्रांसफर वैल्यू कितनी है, एनईएफटी में कोई लिमिट नहीं है, आरटीजीएस में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आईएमपीएस में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना फंड ट्रांसफर कर सकते हो, 2 लाख। सेटलमेंट टाइम की बात करें, मीन्स जो पैसे सामने वाले को जा रहे वो कितने घंटे लेता है, तो एनईएफटी सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, मैंने आपको बताया था 2 से 3 घंटे, है ना। उसके बाद अगर आरटीजीएस की और आईएमपीएस की बात करें तो ये तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब हम ट्रांजेक्शन्स के चार्जेस की बात करें तो एनईएफटी में तो ऐसा कोई चार्जेस है नहीं, आरटीजीएस में 2 लाख से 5 लाख के बीच में 30 रुपये हैं, और 5 लाख से ज़्यादा हम करते तो 55। आईएमपीएस की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि कितने बैंक्स में हम कितना अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।